चाय की नुक्कड़ पे हो और चुनावी चर्चा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। निकाय चुनाव का पहला चरण का जो चुनाव है वो शुरुआत हो चुका है, वो पहला चरण का चुनाव हो चुका है। अब 11 तारीख को मिर्जापुर में दूसरे चरण का चुनाव होना है। अब ये देखना है कि दूसरे चरण के चुनाव में जो मिर्जापुर का जो बारी आता है, हम चुनार उपस्थित है मिर्जापुर के चुनार नगर पालिका में। अब ये देखना है, चुनार नगर पालिका में 25 वार्ड है। अब यहाँ पे चेयरमैन और पार्षद की लड़ाई है, यहाँ पे लड़ाई चेयरमैन और पार्षद में ही नहीं पार्टियों में भी है। अभी हमने आपको अभी दिखा देते हैं कि अभी यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जो उपमंत्री है, उनका जनसभा होकर गुजरा है यहाँ से। उन्होंने अपने जो पार्षद और अध्यक्ष के लिए उनको मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए यहाँ आए हुए थे। लेकिन चाय के नुक्कड़ पे बैठे हुए लोगों से हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि चुनार में जो नगर पालिका है वो 15 सालों से कांग्रेस का राज चल रहा था। अब ये देखना है कि 2023 में ये रिकॉर्ड कौन तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, या फिर ये रिकॉर्ड तोड़ाई जाती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये चाहता हूँ कि 15 सालों से जो कांग्रेस यहाँ पे नगर पालिका में चेयरमैनी कर रहा है, इसके पहले दो बार जो है हसीना बेगम चेयरमैन यहाँ के रही हैं, तीसरी बार हमारे माननीय मंजूर अहमद अंसारी चेयरमैन हुए हैं, इस बार फिर जो है मंजूर अहमद अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि चुनाव की जनता जो है एक अच्छे आदमी को की जरूरत है, अच्छे आदमी की ख्वाहिश है कि एक साफ सुथरा आदमी हमें मिले, सीधा साधा आदमी नहीं कि हम उनके दरवाजे पे जाएं और हमको सम्मान मिले और मेरा काम भी हो। और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो क्या कहेंगे इस बार चुनाव वोट देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे चुनाव के लिए, क्या कहेंगे नगर पालिका के लिए, कुछ तो कह दीजिए। जो वोटर्स जो है आप भी वोट देने जाते हैं, क्या मुद्दा ही बता दीजिए। हम जाएंगे वोट दे देंगे, मगर हम कोई कमी नहीं, खुदा कोई तकलीफ नहीं है, क्या कहेंगे भैया आप लोग, क्या कहेंगे आप लोग चुनाव नगर पालिका के रहने वाले हैं, क्या कोई समस्या है आप लोगों के पास? अभी नल में पानी की समस्या। हाँ जी, नल में पानी की समस्या। नल में लोगों की लुभाने पे चले जाएंगे या फिर अपना मुद्दा देख कर जाएंगे? नहीं, अपना मुद्दा देख कर। क्या मुद्दा है क्या हमारा है जो है साइकिल साइकिल ठान लिए साइकिल को चलाना है, बाकी और कहाँ जाएंगे? और जो भाई जो हम अपना बता रहे हैं, कछुआ में कबल नहीं खिलेगा, निर्दलीय नहीं आएगा, या फिर हाथी नहीं दौड़ेगी, या फिर हाथ पर पंजा नहीं दिखेगा, या फिर झाड़ू नहीं लगाएंगे। अगर सफाई देखना है तब तो आम आदमी पार्टी नहीं भाई, देखो मुसलमान भाई जो है यहाँ के सब जो है साइकिल को। हाँ जी, हाँ मुसलमान भाई सब साइकिल कर दे, हम लोग देंगे, सब पार्टी देंगे। चुनाव तो जाएगा ना, वोट तो एक ही है। और लड़का बाप बोली मत। नहीं, देखिए वोट बोलने के लिए लोग अलग अलग होते हैं। नहीं, वोटर्स ये नहीं है, वोटर साफ है भैया, वोट नहीं जाते हैं। आप लोग वोट देने नहीं जाते हैं। वो हमने दिखाया, वहाँ पे पानी बह रही है, जो हजारों लीटर पानी भर रहा है, कोई टाउन का मतलब कर्मचारी आके इसको बंद करके यहाँ पे मतलब ये नहीं कर सकता कि इसको चालू करके सबको पानी दे दे, हजारों लीटर वेस्ट जाएगा पानी, पर आवास लोग को पानी नहीं देंगे, ठीक है। और जो भी बिजली का समस्या होगी या चेकिंग भी आएगा ना, तो सबसे पहले ये आवास इन लोगों को दिखता है, सबसे पहले इसमें आएंगे, पहले देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन बिजली लिया हुआ है, किसके किसके पास कनेक्शन है, किसके किसके पास नहीं है। और जिसके पास कनेक्शन है उससे फालतू को पैसा लेते हैं और कुछ भी नहीं होता, काट के बिजली का बिल काट के चले जाते हैं, हमारा हजारा बारह सौ रुपए का तार काट के लेके मतलब चले, अवैध वसूली करके जाते हैं। हाँ, अवैध वसूली करके जाते हैं। और प्लस जब हम लोग जुड़वाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, मतलब दो चार लोग जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं भैया नहीं जुड़ाएगा, आप बिजली का बिल पे करिए तो जलाए। अब सब चोरी से जला रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि जो किसी जगह और जगह सबसे पहले इसी जगह अटैक करते हैं। मतलब चोरी के माल पे लोग नहीं मार रहे हैं, अब सबसे छापा मार रही है, ये चोरी कर लेता होगा छापा ना। अच्छा, कोई आवास में ऐसा भी है जो अवैध तरीके से रह रहा है? अवैध तरीके से तो मान लीजिए कोई नहीं रह रहा है, अवैध तरीके सब अपना अपना है।
पर हम सोच रहे हैं कोई भी अगर ऐसा है जो लोग अवैध तरीके से, कोई लोग अवैध तरीके से लोगों को यहाँ पे आवास दे रखे हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब अपने अपने आवास में है, पर जो भी समस्या आती है पहले आवास में समस्या क्या पात्र लोगों को आवास यहाँ पे दी गई है? अपात्र लोगों को भी दी गई है? अपात्र पात्र वाली बात नहीं है मैम, जिसको दिए गए वो रह रहे हैं इसमें, पात्र लोग हैं सब जो रह रहे हैं, लोग हम खुद ही नहीं पाए, ये टाउन के बाहर नहीं पाए, बाहरी वाले किराए पर रहते हैं, आधे आधे किराए पर हैं, बाहरी वाले भी रहते हैं, किराए टाउन के है जो यहाँ के है नहीं पा रहा है, मतलब जो पात्र है जो वो नहीं पाए, शिकायत का हम लोग डीएम भेजे गए, कागज होगा डीएम भेजे गए, कौनो सुनवाई नहीं, तो इस बार वही तो बात है ना कि इस बार क्या करेंगे आप लोग, चेहरा बदलेंगे? नहीं, नहीं बदलेंगे, मतलब आवास ने, आवास के व्यक्ति ने ठान लिया है आप भी बदलेंगे, सब बदलेंगे, क्या करेंगे, हाथ का पंजा लाएंगे, कमल खिलाएंगे या फिर निर्दलीय लाएंगे? मैडम वक्त जाने के जरूरत है, इतना नसीब, आइए हम थोड़ा सा आगे ऐसे बताया कर, हम उस जगह पे आपको लेके चलते हैं जहाँ पे लोगों ने भी बताया है कि ये पानी जो है हजारों लीटर ये ऐसे ही बह रही है, क्योंकि जो जल की समस्याएं है वो आने वाले दिनों में काफी गंभीर होने वाली है। ये समस्याएं कस्बा के टाउन एरिया में जो आवास है वो आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हलाहल जो पीने योग्य पानी है वो गिरी जा रही है, वो यहाँ से पानी टंकी फुल हो चुका है, लेकिन किसी को भी ये ज्ञात नहीं है कि इस पानी को बंद किया जा सके। ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं, ऐसे तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों तक पहुँचानी है, पहुँचाने की सिवा नहीं, इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पानी आज बह रहा है, ये बहुमूल्य पानी है, ये क्योंकि जल ही जीवन कहा जाता है, ये पानी ऐसे ही बर्बाद जा रहा है। ऐसे ही हम तमाम छोटे छोटे मुद्दों के साथ बने रहिए, देखते रहिए प्रिया सिंह के साथ P7 भारत न्यूज़।